पढ़ेंगे फीसर का आदर्श मूल्य सूचकांक आइडियल प्राइस इंडेक्स। प्रोफेसर इरविंग फीसर ने सूचकांक रचना करने से पहले 134 सूत्रों का गहन अध्ययन करने के पश्चात सूचकांक रचना हेतु एक आदर्श सूत्र प्रतिपादित किया था। इस सूत्र द्वारा संरचित सूचकांक को ही फीसर का आदर्श सूचकांक कहा गया था। आदर्श सूचकांक बनाते समय इन्होंने आधार वर्ष और चालू वर्ष दोनों में ही प्रयुक्त वस्तुओं के परिणामों को भार के रूप में काम में लिया। जैसा कि आप जानते हैं, पासे ने आधार वर्ष की मात्रा काम में ली थी, जबकि लैशपेयर ने जो है चालू वर्ष की मात्रा काम में ली थी। इन्होंने दोनों मात्राओं को प्रयोग कर इस दोष को दूर कर दिया। इसकी रचना करते समय प्रत्येक वस्तु के आधार वर्ष प्रदत्त मूल्य P0 और आधार वर्ष की जो मात्रा है उसको Q0 से दर्शाया गया और चालू वर्ष की कीमत है P1 और प्रचलित वर्ष की मात्रा है Q1। इसकी गणना की विधि का जो सूत्र है वो इस प्रकार है P01, 0 का मतलब आधार वर्ष होता है, 1 का मतलब चालू वर्ष, अंडर रूट सिग्मा P1Q0 अपॉन P0Q0 और अंडर रूट सिग्मा P1Q1 अपॉन P0Q1। आप इसे यदि ध्यान से देखें, उसका जो पहला भाग है वो लैशपेयर के सूत्र को दर्शाता है, दूसरा भाग पासे के सूचकांक को दर्शाता है, यानी फीसर का जो सूचकांक है दोनों का गुणोत्तर माध्य है, दोनों को गुणा करके उसका वर्गमूल लिया गया है। सिग्मा P0 का अर्थ है आधार वर्ष की प्रत्येक वस्तु का मूल्य, Q0 आधार वर्ष की वस्तु का परिमाण या मात्रा, P1 चालू वर्ष का मूल्य, Q1 चालू वर्ष की मात्रा। अब हम एक उदाहरण ले रहे हैं जिसमें फीसर का आदर्श सूचकांक निकालना सीखेंगे, निर्माण करेंगे इसका। वस्तुएं हैं ए, ब, स और द, मूल्य दिए हुए हैं आधार वर्ष में कितना है, चालू वर्ष में कितना है, मात्रा कितनी कितनी है। तो ये एक जो टेबल है इसको आप ध्यान से देखिए, चार वस्तु ए बी ए बस ए दे, आधार वर्ष की जो कीमत है उसको हम P0 से दर्शाएंगे, आधार वर्ष की मात्रा को Q0 से, चालू वर्ष की कीमत को P1 से और चालू वर्ष की मात्रा को Q1 से दर्शाया जाएगा। P1 Q0 P0 Q0 चार कॉलम बनेंगे, P1 Q1 और P0 Q1। सबसे पहले जो है P0 Q0 किस प्रकार ज्ञात करेंगे, P0 वाले कॉलम को Q0 वाले कॉलम इसके गुणा करना है, 6 × 50 = 300, 2 × 100 = 200, 4 × 60 = 240। P1 Q0 में कीमत चालू वर्ष की काम में लेनी है और मात्रा आधार वर्ष की, जैसे 10 × 50 = 500, 2 × 100 6 × 60 और 12 × 30। फिर है कॉलम P1Q1, यानी पूरा ही चालू वर्ष का व्यय काम में लेना है, 10 × 56 560, 2 × 120 240, 6 × 60 360, 12 × 64 768। और अगला कॉलम है वो P0Q1 है। अब है फीसर का आदर्श सूचकांक का सूत्र। अब इन सब का योग कर लिया जाएगा चारों कॉलम का, अंडर रूट सिग्मा P1Q0 अपॉन P0Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 अपॉन P0Q1। सभी मान रखने पर इसकी वैल्यू आ रही है 1.34 × 100 = 134। इसका अभिप्राय यह है कि आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में जो व्यय है उपभोक्ता का वो 34% बढ़ गया। अब बात आती है दूसरी, जिसमें इसको आदर्श क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो विशेषताएँ हैं, वो है समय उत्क्रम्यता परीक्षा और खंड उत्क्रम्यता परीक्षा। फीसर का सूचकांक एक ऐसा सूचकांक है जो इन दोनों टेस्ट को या परीक्षणों को संतुष्ट करता है, इसीलिए हम इसको जो है आदर्श सूचकांक कहते हैं। तो अब बात आती है टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है। इसका अभिप्राय यह है कि आधार वर्ष पर आधारित करते हुए चालू वर्ष का सूचकांक ज्ञात किया जाए और इसी प्रकार चालू वर्ष पर आधारित आधार वर्ष का सूचकांक ज्ञात किया जाए तो दोनों का गुणा एक आना चाहिए, एक दूसरे के ये विक्रम होते हैं P01 × P10, इसी को कहते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट। P01 अभी हमने निकाला ही है, P1Q0 P0Q0 × P1Q1 / P0। P10 का मतलब है जहाँ
पी में वन है वहाँ जीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, और जहाँ जीरो है वहाँ वन लिख दिया जाए तो वो वन जीरो हो जाएगा। इन सब को कैंसिल करने पर उनकी वैल्यू एक आ रही है। ये समय उत्क्रामिता परीक्षण है जिसको जो है फीसर का सूचकांक संतुष्ट करता है। अब फीसर के सूचकांक की रचना करनी है और ये सिद्ध करना है कि यह सूचकांक समय उत्क्रामिता परीक्षण को पूरा करता है। फिर एक पांच वस्तुओं की टेबल दे रखी है, इसके आधार पर हम पहले गणना करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसका ये हल है। गणना ये करेंगे आप कि चार कॉलम बनाएंगे, पी जीरो क्यू जीरो, पी वन क्यू जीरो, पी जीरो क्यू वन और पी वन क्यू वन। मेथड वही रहेगा जो आपने पीछे जो एग्जांपल था उसमें काम में लिया, सभी का योग कर लिया गया है। और अब जो है पी जीरो क्यू वन याद कर रहे हैं, पी वन वैल्यू रख दी 3030 बटे 2150 इंटू 4300 बटे 3080, इसका मान 140.2 आ रहा है। फिर है समय उत्क्रामिता परीक्षण याद करते हैं, पी जीरो वन और पी वन जीरो दोनों को मल्टीप्लाई किया और सभी मान रखने पर इसकी वैल्यू जो है वो एक आ रही है। अतः यह है समय उत्क्रामिता परीक्षा जो है संतुष्ट हो रही है। तब है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब आप अब तक फीसर के आदर्श सूचकांक रचना तथा समय उत्क्रामिता परीक्षण से सुपरिचित हो चुके हैं। अब खंड उत्क्रामिता परीक्षा का अभिप्राय यह है कि यदि मूल्य के स्थान पर मात्रा और मात्रा की जगह मूल्य रख दिया जाए और फिर सूचकांक की रचना की जाए तो वो सूचकांक जो है उन दोनों का जो गुणा होगा वो पी वन क्यू वन यानी करंट ईयर के व्यय और आधार वर्ष के व्यय के अनुपात के समान होना चाहिए। यदि 2008 में 2000 की अपेक्षा मूल्य दुगुने हो जाएं और मात्रा तीन गुनी हो जाए तो 2008 के कुल व्यय 6 गुना हो जाना चाहिए। स्वयं फीसर का ये मानना था कि जिस प्रकार दो समय का परस्पर परिवर्तन करने से असंगत फल प्राप्त न हो उसी प्रकार ही संभव होना चाहिए कि मूल्य और मात्राओं के भी प्रतिस्थापन करने पर असंगत फल प्राप्त न हो, दोनों परिमाण को आपस में गुणा करने पर वास्तविक मूल्य अनुपात आ जाना चाहिए। तो पहले है पी जीरो वन इंटू क्यू जीरो वन हमेशा होना चाहिए किसके बराबर, सिग्मा पी वन क्यू वन अपॉन पी जीरो क्यू जीरो। पी जीरो वन वही सूत्र है जो फीसर ने काम में लिया है। पी क्यू जीरो वन का अभिप्राय है पी को क्यू से क्यू की जगह पी रख दिया जाता है तो ये क्यू जीरो वन ज्ञात हो जाता है। अब दोनों को जो गुणा करते हैं तो गुणा करने पर ये गुणनफल आ रहा है सिग्मा पी वन क्यू वन अपॉन पी जीरो क्यू जीरो। फीसर के सूत्र में ये वास्तविक अनुपात प्राप्त होता है, इसलिए ये कहा जाता है कि फीसर का जो सूचकांक है वो खंड उत्क्रामिता यानी फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। अब एक उदाहरण ले रहे हैं, फीसर के सूचकांक की गणना करनी है और ये प्रूव करना है कि ये खंड उत्क्रामिता परीक्षा को संतुष्ट करता है। इसमें फिर तीन वस्तुएं हैं, तीनों के डाटा इसमें दे रखे हैं आधार वर्ष और चालू वर्ष के, और गुणा किया गया है, कॉलम उसी तरह तैयार करना है, पी जीरो क्यू जीरो, पी वन क्यू जीरो, पी जीरो क्यू वन, पी वन क्यू वन। अब सबसे पहले पी जीरो क्यू वन इंटू क्यू जीरो वन का वैल्यू निकालेंगे। पी जीरो वन वही सूचकांक है, क्यू जीरो वन का अर्थ फिर बता देते हैं, मात्रा को आधार मानते हुए सूचकांक निकालना। अब दोनों का गुणा किया है तो वैल्यू आ रही है 688 अपॉन 172 जो कि मूल्य अनुपात के बराबर है। इससे ये प्रूव होता है कि ये जो है खंड उत्क्रामिता परीक्षा को संतुष्ट करता है। सब अब बात आती है खंड उत्क्रामिता परीक्षण का विश्लेषण करते समय 1983 तथा 1988 में मूल्य मात्रा के परिवर्तन का गुणात्मक संबंध स्पष्ट किया गया था। इस हेतु उपयुक्त उदाहरण का यदि ध्यान से ध्यान देंगे तो आप ध्यान में आएगा ही, आधार वर्ष की तुलना में प्रचलित वर्ष के मूल्य दुगुने हैं और आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष का परिणाम भी दुगुना है तो दोनों का मूल्य अनुपात 4 होगा, जैसा कि देख रहे हैं। इसी परीक्षण में भी फीसर का सूत्र पूर्णतया सही सिद्ध हो जाता है, इसलिए फीसर का जो सूचकांक है उसको हम आदर्श सूचकांक की श्रेणी में रख सकते हैं।
आदर्श सूचकांक वही होता है जो समय और खंड उत्क्रम्यता दोनों परीक्षणों को संतुष्ट करता है। धन्यवाद।